खबर हरियाणा से लेते हैं, जहां सोनीपत के राई क्षेत्र की बीसवा मील मार्केट में सुबह के समय एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भयानक आग लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को मौके पर सूचना देकर बुलाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर स्वाह हो गया। हालत कुछ इस तरह से बन गई कि दमकल कर्मचारियों ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक दुकान की छत और दीवारें भी डैमेज हो गई थी। हालांकि सुबह के समय दुकान पर कोई मौजूद नहीं होने की वजह से जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, अगर समय रहते दुकान में लगी आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। साहिल हार्डवेयर की दुकान में आग लगी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया, जिसमें 10-12 गाड़ियों ने आई हुई थी आपके दमकल केंद्र की और बाजार सुरक्षित है। अरे दोबारा साहिल हार्डवेयर ने फोन करके दोबारा सूचना दी कि आग दोबारा से लगी है, जिसमें फायर ब्रिगेड ने दोबारा मौके पर आकर थोड़ी सी जो आग लगी हुई थी दोबारा उसको आग कंट्रोल किया। आग कोई जान माल का जान की कोई हानि नहीं है, करोड़ों का नुकसान है, करोड़ों का बताया जा रहा है। तो केमिकल भी यूज़ किया गया है? केमिकल सही है इसमें, हार्डवेयर में कुछ पेंट वगैरह की शीशी वगैरह कैन वगैरह दरी थी, इसलिए फोम का यूज किया गया। सोनीपत से अर्थ प्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट।